नमस्कार, मैं हूं आरशी। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण करके पूरे प्रदेश में एक संदेश जारी किया है और लोगों से अपील की है कि पौधे लगाएं ताकि हमारे वातावरण को शुद्ध रखा जा सके। मानव जीवन के लिए यह बहुत जरूरी है। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने आवास पर पौधारोपण किया। बता दें कि आज सीएम योगी का जन्मदिन भी है। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इस वर्ष का विषय वायु प्रदूषण से मुक्त वातावरण रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विश्व में मनुष्यों की सुरक्षा केवल स्वच्छ वातावरण से ही संभव है। उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार और विभिन्न संगठनों के साथ साथ आम नागरिक भी वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पहल कर रहे हैं। योगी ने कहा कि वन ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की जा सकती है। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं और मैं उनसे राज्य में 23 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लेने का आग्रह भी करता हूं। ये एक बड़ा लेकिन आवश्यक लक्ष्य है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया। जो किसान गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में फलदार वृक्ष अपने खेत के मेड़ पे लगाएगा, उसे निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराने, जो अपने पूरे खेत में फलदार वृक्ष लगाएगा, कोई केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उपयोग नहीं करेगा, उसे प्रतिवर्ष महीने के हिसाब से कुछ सब्सिडी शासन स्तर पर एकड़ के हिसाब से देने की व्यवस्था के साथ ही हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि पूरे प्रदेश में इस पूरे सीजन में हम लोग 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण कार्यक्रम को वन विभाग के माध्यम से करने के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ ही यह भी लक्ष्य रखा गया है कि वन महोत्सव का कार्यक्रम 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में होगा। किसी एक तिथि को वन विभाग के साथ सभी विभागों की बैठक एक बार हो चुकी है, मैंने एक बार बैठक ले ली है। हमारे वन मंत्री जी इसकी बैठक निरंतर ले रहे हैं और हमारा प्रयास है कि एक ही दिन में फलदार छायादार इमारती लकड़ियों से संबंधित जो वृक्ष होंगे, ऐसे सभी वृक्षों को लगा करके हम लोग एक ही दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के साथ प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रही है। और मेरा विश्वास है कि विगत 3 वर्ष के दौरान वृक्षारोपण के जिस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किया है, उसमें एक एक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को जियोटैग करना, उसके संरक्षण की व्यवस्था करना, प्रदेश के वनाच्छादन को बढ़ाना और लोगों को पर्यावरण के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करके प्रकृति के संग रहने के लिए आगे बढ़ना, यही आज का संदेश है। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। हरे दरख्त ना सही तू थोड़ी घास रहने दे, हरे दरख्त ना सही तू थोड़ी घास रहने दे, इस जमी के जिस्म में तो कोई लिबास रहने दे। एक तरफ स्मार्ट सिटी तो वहीं दूसरी तरफ विनाश की तस्वीर। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। यह हर साल दुनिया भर में 5 जून को मनाया जाता है। पेड़ पौधे पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को कम करके इसे शुद्ध बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आज के इस औद्योगिक सभ्यता वाले युग में पर्यावरण बुरी तरह से दूषित हो चुका है। पर्यावरण में प्रदूषण के बढ़ते लेवल की वजह से कभी बारिश तो कभी सूखे की स्थिति रहती है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराया जाए। इस उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए रिपोर्ट। जहां एक ओर शहर को स्मार्ट बनाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरे भरे पेड़ों को काटा भी जा रहा है। ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि हम विकास से विनाश की ओर अपने कदम को बढ़ा चुके हैं। तस्वीरों पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मेट्रो को बनाने की तैयारी बड़े चौराहे पर भी शुरू हो चुकी है, तो वहीं उससे पहले ही 90 से 100 साल पुराने पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ियों को सूखने के लिए छोड़ दिया गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि कानपुर की मेट्रो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी, लेकिन ये बातें हमें तब सोचने पर मजबूर कर देती हैं जब ये आंकड़े सुनाई पड़ते हैं। हर साल शहर में लाखों पौधे रोपे जाते हैं, लेकिन आज तक वन क्षेत्र नहीं पड़ सका है। पिछले 5 सालों में 3 करोड़ से ज्यादा पौधे विभागों द्वारा लगाए जा चुके हैं।
वहीं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के मुताबिक कानपुर में 2.09% ग्रीन कवर है, जो 2017 के मुकाबले 0.1% भी नहीं बढ़ा है। ये आंकड़े इसलिए भी चौंकाने वाले हैं कि जब हर साल लाखों पौधे रोपे जाते हैं तो ग्रीन कवर क्यों नहीं बढ़ रहा है। इस बार भी कानपुर को 35 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का टारगेट मिला है। अभी 2021 की रिपोर्ट नहीं आई है। 2019 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर में 2.09% क्षेत्र ही ग्रीनरी है, जबकि मानक 33% का है। वहीं कानपुर की इंडस्ट्री में भी पौधे ना के बराबर लगे हैं, इसी वजह से यहां की इंडस्ट्री रेड कैटेगरी में है। इंडस्ट्रियल एरिया में रोड किनारे भी पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। कानपुर शहर में विकास के नाम पर विनाश की जो प्रक्रिया है वो लगातार चालू है। ये इसका जीता जागता उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि विकास के नाम पर कई सालों पुराने, यानी लमसम 100 साल पुराना ये पेड़ होगा जिसे काट दिया गया। ऐसे तमाम शहर में पेड़ हैं जिनको लगातार काटा जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस हम आज मना रहे हैं, 5 जून है, पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पेड़ों को काटा जा रहा है। ये कटा हुआ पीपल का पेड़ आप देख रहे होंगे, लेकिन ये चीख चीख के ये चिल्ला रहा है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। ऐसा मैं नहीं, ये पेड़ खुद बोल रहा है। इस पर कटे हुए पेड़ पर आप देख रहे होंगे कि ये तने फिर से अंकुरित हो रहे हैं, फिर से निकल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों काट रहे हो। अभी हम हाल ही में जो है अभी ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ कर आए हैं, और लगातार शहर में विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। स्मार्ट कानपुर की हम बात करते हैं, स्मार्ट शहर की हम बात करते हैं। मेट्रो भी बनाई जा रही है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कानपुर मेट्रो का कार्य जो है यहाँ प्रारंभ हो चुका है, और ये एक स्मार्ट शहर आपको लगता दिख रहा होगा। एक जेड स्क्वायर मॉल है कानपुर शहर में, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल पेड़ आप तमाम तरीके से देख रहे होंगे। नीचे कानपुर मेट्रो की तैयारियाँ चल रही हैं क्योंकि यहाँ से मेट्रो निकलनी है। तो ये आपको स्मार्ट कानपुर का एक एंगल दिखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा होगा, लेकिन इससे एक तस्वीर और भी है, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। तो ये आर्टिफिशियल पेड़ हमें ऑक्सीजन नहीं देते, ग्रीनरी में मुझे अच्छे ज़रूर लगते हैं, आँखों को राहत ज़रूर देते हैं, लेकिन एक कानपुर ये भी है जो इसके ठीक सामने आपको हम दिखा रहे हैं। एक कानपुर ये जो विनाश की प्रक्रिया जो है, विनाश की जो लीला है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन देने वाले वो पेड़ दिख रहे होंगे जो आर्टिफिशियल तो नहीं है, लेकिन कई सालों से हमें ऑक्सीजन प्रदान करते थे। इसमें नीम के पेड़ भी हैं, इसमें पीपल के पेड़ भी हैं, कटे हुए पेड़ आप देख रहे होंगे। कहा जाता है कि इन पेड़ों में जान भी होती है, जीवन भी होती है, जो हमें भी जीवन देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये कटे हुए पेड़ जो शहर को एक तरीके से ग्रीनरी के साथ साथ में, आकर्षण के साथ साथ में हमें ऑक्सीजन भी देते। तो ये कानपुर अच्छा था, ये एक स्मार्ट कानपुर अच्छा है। हालांकि स्मार्ट होना चाहिए हमारा शहर, लेकिन इस तरीके से पेड़ों को काट के ऑक्सीजन को किल्लत करवा के, क्या ये काटना पेड़ों को सही है? ये तमाम सवाल हम ही नहीं उठा रहे हैं, काफ़ी समय से काफ़ी लोग उठाते रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि कानपुर शहर में अब तक का जो है 2017, 18 और 19 की बात की जाए तो 3 करोड़ पेड़ अभी तक का आंकड़ों के हिसाब से लगाए जा चुके हैं। ग्रीन कवर की बात की जाती है, पेड़ों का रखरखाव नहीं होता है, पौधों को लगा दिया जाता है। कानपुर मेट्रो परियोजना में भी बोला जा रहा है कि ग्रीनरी को जोर दिया जाएगा, पेड़ लगाए जाएंगे। अभी तक 3 करोड़ पेड़ लगाने के बाद जब उनका रखरखाव नहीं हो पाया, उनके आंकड़ों की बात की जाए तो उनका कहीं नामो निशान नहीं रहा। अभी भी 35 लाख पेड़ लगाने का दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है 35 लाख पेड़ लगाने का शहर में एक योजना बनाई गई है, और ये दावा किया गया है कि लगाए जाएंगे। लेकिन जब 3 करोड़ की रखरखाव नहीं हो पाया, तो क्या इन जो 100 सालों से पेड़ खड़े होकर के जीता जागता सबूत ऑक्सीजन देते थे, उनको काट के जब हम बर्बादी की ओर हम ले जा रहे हैं अपने शहर को, तो क्या सवाल नहीं खड़े होते हैं इन योजनाओं पे? ज़रूर खड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेड़ ज़रूर लगाइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर न्यूज़ प्लस से ही आपसे अपील करता है कि अपने आसपास लगे हुए पेड़ों को मत काटिए, उनका रखरखाव करिए, जो लगाइए उनका भी रखरखाव करिए। फ़ोटो खिंचाने के लिए पेड़ मत लगाइए। न्यूज़ प्लस के लिए कानपुर से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस।
आज न्यूज प्लस की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज प्लस और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार।